तो नमस्कार। आज जो पीसीबी के बारे में बताएंगे आपको, आप लोगों को, ये है एक एलजी का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। ये काफ़ी मतलब पुराना मॉडल में है। इसका प्रॉब्लम ये है, जो टेक्नीशियन हमारे पास लाया, ये ऑन नहीं हो रहा है। इसका प्रॉब्लम ये है, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो हमने जब चेक किया पीसीबी को, ये पीसीबी है, देखिए ये पीसीबी है, रिले रिले ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और छोटे छोटे कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर है। तो ये पीसीबी देखिए, आपको एक काफ़ी जो टेक्नीशियन भाई लोग है उसने देखा होगा, ये ऑपरेट करने के लिए जो बटन है इसको थोड़ा घुमा देता हूँ मैं। देखिए ऑपरेट करने के लिए बटन है, ऑन ऑफ स्विच है, टेम्परेचर बटन है, स्पिन बटन है और ये है घुमाने के लिए, प्रोग्राम सेट करने के लिए। कॉटन हैंड वॉश, ब्लैंकेट, क्विक वॉश, रिन स्पिन, बेबी केयर, डेलिकेट, सिंथेटिक कॉटन, क्विक। प्रोग्राम पहले हम लोग ऑन कर, मतलब यह ऑन ऑफ बटन है, मशीन को ऑन करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम सेट करते हैं। प्रोग्राम सेट करते बाद ये पॉज बटन है, पॉज कर देते हैं तो मशीन स्टार्ट हो जाता है। तो जिसने ये पीसीबी लाया उसने हमें बताया, सर हमारा जो पीसीबी है ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन ये ऑन कैसे होगा और क्या ख़राब हो सकता है, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। बट ये जो पीसीबी है, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है। तो जो लोग, जो भाई लोग पीसीबी का काम करते हैं और जो टेक्नीशियन भाई लोग है जो पीसीबी ले आता है खोल के, उन लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप मशीन को अच्छा तरीक़े से चेक कर लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पीसीबी छोड़ के एक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में और क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले एक पावर प्लग होता है, उसके बाद एक पीसीबी होता है और वाटर पानी आने के लिए इनलेट वाल्व होता है। वाटर को मापने के लिए वाटर कितना, मतलब कितना प्रेशर जो है वो प्रेशर सेंसर है, वाटर को मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर सेंसर है। ड्रेन पंप पे जो पानी को निकालने के लिए, सिर्फ फ्रंट लोडिंग के लिए बता रहा हूँ, ड्रेन मोटर है जो पानी निकालने के लिए, मोटर है जो पुली मतलब ड्राम को घुमाने के लिए, डोर लॉक है जो डोर स्विच बोलता है, डोर लॉक है, एक डोर लॉक होता है जो डोर लॉक के लिए, एक होता है वाटर सेंसर मतलब ये टेम्परेचर पानी का, वो मतलब टेम्परेचर मापने लिए वाटर सेंसर होता है, एक आपका स्पाइडर जो ड्राम को पकड़ के रखता है, स्पाइडर होता है और बॉडी होता है। तो ये है हमारा एक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है। तो पहले आप धीरे धीरे सब सारे पार्ट चेक करें, उसके बाद डिसाइड करें जो पीसीबी खराब है क्या नहीं है। एक्चुअली मैं ये बताऊंगा, ये जो पीसीबी है कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। हम इसलिए सजेस्ट कर रहा है जो कोई भी टेक्नीशियन भाई लोग, आप लोग अच्छी तरह से चेक कीजिए। वायरनेस, वायरनेस बोले तो ये जो जैक से निकल के दूसरा जैक या किसी कंपोनेंट में जा रहा है, इनलेट वाल्व, प्रेशर सेंसर, मोटर, डोर स्विच में जा रहा है, ये प्रॉपर कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक कीजिए। उसके बाद इसका जो फ्यूज़ है, एक्चुअली इसका फ्यूज़ जो है ये ख़राब होने का ज़्यादा चांस होता है। देखिए फ्यूज़ है, ये जो दिखा रहा है ये फ्यूज़ है। तो ये सब चेक कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए पीसीबी में प्रॉब्लम है या नहीं है, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या ख़राब हो रहा है। पीसीबी ख़राब हो गया तुरंत बोल दिया आपने, ऐसा नहीं करना।
और अभी तो ऐसा मॉडल नहीं आ रहा है, अभी टच वाला हो चुका है। जैसे मैं आपको दूसरा एक मशीन देखा था, वो सैमसंग। देखिए और एक आपको मॉडल देखा रहा था, वो देखा है आपको एलजी का। ये है सैमसंग का मॉडल है, ये देखिए। ये सेम प्रोग्राम सेट करने के लिए, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये आपका पॉज बटन है, और ये देखिए टच स्क्रीन, थोड़ा टच वाला है, टच वाला स्क्रीन है। तो मैं यही बताऊंगा जो कोई भी पीसीबी कोई भी पीसीबी खराब बोलने से पहले एक बार प्रॉपर चेक कीजिए, आप खुद कर सकोगे अगर आप प्रॉपर तरीका से चेक करोगे। उसके बाद जो पावर सेक्शन आ रहा है उसको चेक करो, जो पावर दोगे आप उसको चेक करो, ये प्रॉपर पीसीबी में पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर पावर आ रहा है, उस पावर से दूसरा कंपोनेंट मतलब पावर के बाद उसके बाद कहाँ पे आता है उसको चेक कीजिए करो। उसके बाद जो 12-5 वोल्ट बनाता है उसको चेक करो। ऐसा करके धीरे धीरे सब कुछ चेक करो, आपको पता लग जाएगा ये क्या खराब है। कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आप ट्राई करोगे तो आप खुद कर पाओगे, ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और भी कोई जानना है हम दूसरा वीडियो बना देंगे आपको, इसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए हम बना देंगे। फिलहाल इतना ही, और भी वीडियो अगर अच्छा लगे और भी वीडियो देखना है तो हमें कमेंट कर सकते हो। कोई भी एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कोई भी इलेक्ट्रिक पीसीबी सर्किट बोर्ड, हमें कॉन्टैक्ट करके वीडियो बना के बोल सकते हो। थैंक यू।